मेल ड्रेसिंग के हवाले से इंटरव्यू के अंदर अगर वो सूट पहनना चाहता है तो कौन सी डूज एंड डोंट्स हैं जिसको उसको अंडर कंसिड्रेशन रखना चाहिए क्या शलवार कमीज को आपको इंटरव्यू के अंदर आप पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते कि अगर आप इंटरव्यू के अंदर आप शलवार कमीज पहन के जाना चाहते हैं अपना कौमी लिबास पहनना चाहते हैं तो किस तरह की ड्रेसिंग होनी चाहिए इसके अलावा अगर हम लोग बात करें शूज़ के अंदर तो फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें सॉक्स की कि आपको परफ्यूम लगानी चाहिए या नहीं हम वॉच की बात करते हैं रहमान रहीम जी मैं अली अवैस बांट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से जैसा कि आपको पता है कि हमने इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन को स्टार्ट किया हुआ है कि इंटरव्यू के अंदर आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए और हमने पहले इसके ऊपर एक वीडियो बनाई भी कि अगर मेल ड्रेसिंग के हवाले से इंटरव्यू के अंदर अगर वो सूट पहनना चाहता है तो कौन सी डूज़ एंड डोंट्स हैं जिसको उसको अंडर कंसड्रेशन रखना चाहिए अब बहुत ही कंटेंचुअस इस हवाले से डिस्कशन है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप कौमी लबास कमीज इंटरव्यू के अंदर पहनना चाहते हैं तो उसके हवाले से क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं जो जिनको आपको देखने की ज़रूरत है जिनके बारे में आपको कॉशन रहने की ज़रूरत है एक पहली चीज़ तो ये है कि इस हवाले से एक डिस्कशन ये है कि क्या शलवार कमीज़ को आपको इंटरव्यू के अंदर आप पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते आ, मैं कहूँगा कि बिल्कुल आप पहन सकते हैं लेकिन कुछ वो जैसे हम लोगों ने पहले बात की थी कि कुछ कंसिड्रेशन्स हैं जिनको जिनको जो मलहूज़े हाथ रखना बड़ा ज़रूरी है अच्छा इस पहली चीज़ इससे पहले कि मैं इस पर फॉर्मली डिस्कशन को स्टार्ट करूं एक मैं बॉटम लाइन आपसे शेयर करना चाहता हूं इंटरव्यू की ड्रेसिंग के हवाले से वो बॉटम लाइन ये है कि कोई भी ऐसी ड्रेसिंग के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जो पैनल को डिस्ट्रैक्ट करे जो पैनल की अटेंशन को डाइवर्ट करे कोई कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से सेंटर ऑफ अटेंशन आप ना रहें इंटरव्यू लेने वाले लोगों के लिए तो ऐसी चीज़ इंटरव्यू के लिए रिकमेंडेड नहीं है एक्सट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है अब Uh, हम जैसे बात कर रहे थे uh, कि अगर आप इंटरव्यू के अंदर आप शलवार कमीज पहन के जाना चाहते हैं अपना कौमी लबास पहनना चाहते हैं तो किस तरह की ड्रेसिंग होनी चाहिए इसमें पहली चीज़ तो ये है कि आप आपकी जो शलवार कमीज है उसमें कुछ रिकमेंडेड कलर्स हैं जो आप पहन सकते हैं जो मर्दों के लिए कलर हैं इसके हवाले से जो रिकमेंडेड कलर हैं वो ये हैं कि आप वाइट कलर की शलवार कमीज़ वाइट कलर की शलवार कमीज़ नेवी ब्लू कलर की शलवार कमीज और ग्रे कलर की शलवार कमीज पहन सकते हैं और ब्लैक कलर की शलवार कमीज अगेन इस वजह से रिकमेंडेड नहीं है जिस वजह से ब्लैक कलर का का सूट इंटरव्यू के अंदर रिकमेंडेड नहीं है वो वजह ये है कि ये एक पावर कलर है और वहाँ पे चूँकि आप अपनी जॉब के लिए जा रहे हैं और आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं तो एक ह्यूमिलिटी आपकी ड्रेसिंग के अंदर नज़र आनी चाहिए इसके बाद ये है कि आप अकेले शलवार कमीज के साथ नहीं जा सकते आपको वेस्ट कोट पहननी चाहिए साथ वेस्ट कोट जो है ये आपकी लुक लुक्स को फॉर्मल बनाती है दूसरी चीज़ ये है कि इसमें दोनों तरह की चीज़ें हैं जो एक तो ये है कि आपको पता है कि पहले जो है वो इस हवाले से ये परस्पेक्टिव था कि आपकी जो वेस्ट कोट है वो कंट्रास्ट के अंदर होनी चाहिए लेकिन अभी जो है ट्रेंड चेंज हो गया है और अब आप सेम कलर की जो है वो वेस्ट कोट भी पहन सकते हैं मतलब जिस कलर का आपका सूट है उस कलर की आप फेस कोट भी पहन सकते हैं लेकिन ये ये जो परमिट है ये सिर्फ दो कलर्स के साथ है इंटरव्यू के हवाले से ग्रे कलर के साथ और नेवी ब्लू कलर के साथ आपको पता है कि जब इमरान खान अमेरिका में गए थे ट्रंप से मिले तो उन्होंने आ, नेवी ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था और नेवी ब्लू कलर की ही वेस्ट कोट पहनी हुई थी तो लेकिन आप वाइट और ऑफ वाइट के साथ कंट्रास्ट कलर की ही जो है वो वेस्ट कोट्स पहनेंगे इसके अलावा अगर हम लोग बात करें शूज के अंदर तो शलवार कमीज़ के नीचे आप सिर्फ़ लेस वाले शूज़ ही पहन सकते हैं अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो और वेस्टकोट के लिए कौन से शूज़ वही शूज़ जिसकी हमने पीछे बात की थी ऑक्सफोर्ड शूज़ और डर्बी शूज़ जैसे मैंने बताया था कि एक शूज़ जो हैं उनमें जो लेसेस हैं वो ओपन लेसेस होते हैं और एक में क्लोज लेसेस होते हैं फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें सॉक्स की तो सॉक्स भी वही हैं कि सॉक्स यहाँ आप ब्लैक कलर की पहन सकते हैं या आप नेवी ब्लू कलर की पहन सकते हैं उसके ऊपर किसी भी तरह का डिज़ाइन नहीं होना चाहिए वॉच के हवाले से भी वही कॉशंस हैं कि कोई महंगी वॉच नहीं पहन सकते और अगर आपने स्टैप वाली वॉच पहननी है तो आपकी आपकी वॉच का कलर और आपके शूज़ का कलर आपस में मैच करना चाहिए फिर इसके हवाले से एक और चीज़ बड़ी अहम चीज़ जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि आपको परफ्यूम लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए Uh, मेरा ख़्याल है कि आप ज़्यादा बेहतर होगा कि आप परफ्यूम की जगह बॉडी स्प्रे को यूज़ करें क्योंकि अगर आपकी परफ्यूम की चॉइस जो पैनल में बैठे हुए लोग हैं पर्टिकुलरली जो कंपटीशन के एग्ज़ाम के पैनल में बैठे हुए लोग हैं जो बहुत ही सीजनड सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो uh, होते हैं Uh, जो बाईसवें ग्रेड से रिटायर्ड होते हैं और बड़ी uh, जो की पोजिशन हैं उनके ऊपर उन्होंने काम किया होता है और उनका स्ट्रेचर बहुत बड़ा होता है तो नॉर्मली uh, वो थोड़े से एजड लोग होते हैं तो वो वो अगर उनको आपकी परफ्यूम uh, की खुशबू या आपकी सेंट की खुशबू उनको अगर पसंद ना आए तो उसे बहुत ज़्यादा इरीटेट होते हैं और उससे आपका इंटरव्यू मुतासर हो सकता है और उसके उसकी वजह से जो पैनल है उसका आपकी आपके अंदर आपके इंटरव्यू के अंदर इंटरेस्ट लेना और पूरी विजिलेंस के साथ आपके इंटरव्यू को करना ये एबिलिटी उनकी इस हवाले से जो है मुतासर हो सकती है वो इरीटेट हो सकते हैं तो इस वजह से ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप सेंट लगाएं दूसरी वीडियो जो आ, 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 ऐसे एस्परेंट्स के लिए ऐसे दोस्तों के लिए थी जो इंटरव्यू के अंदर अपने कौमी लबास को पहन के जाना चाहते हैं अगर आप मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखना चाहते हैं और आप बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान के ऊपर नए हैं और हमने देखा है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ज़्यादातर वो हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बहुत ही क्वालिटी जो वीडियोस हैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के हवाले से सिविल सर्विस के, के हवाले से, से और ऐसी वीडियोस जिससे हम पाकिस्तान को बदल सकते हैं उस हवाले से मिलेंगी और इनशाला वो आपकी कामयाबी में भी रोल प्ले करेंगी और पाकिस्तान को आगे लेके जाने के अंदर भी रोल प्ले करेंगी आपके टाइम का बहुत शुक्रिया थैंक यू